तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। आज हम लोग एनर्जी इंटरैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर एनर्जी इंटरैक्शन। और पीछे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आई होप मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो आपको सब कुछ क्लियर होगा। और आज से हम नया चैप्टर दैट इज एनर्जी इंटरैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में, हम लोग बात करेंगे वर्क के बारे में, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, हम लोग बात करेंगे कि अदर प्रोसेसेस में कैसे कैसे हमारा वर्क ट्रांसफर होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस, ठीक है। तो आई होप आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, एक बार मुझे कंफर्म कर दें। और जो लोग भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए जस्ट मैं अपने बारे में थोड़ा सा जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। एंड राइट नाउ जो सब्जेक्ट चल रहा है वो मैकेनिकल एज वेल एज सीएच के लिए चल रहा है, ठीक है। मैकेनिकल सीएच के लिए चल रहा है 2023 एंड 2024। अगर कोई भी है जो 2022 वाला है तो ही कैन ऑल्सो ज्वाइन। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड आई हैव क्रैक गेट मल्टीपल टाइम्स एंड मेंटोर मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स। सो दोस जिस किसी को भी जस्ट एसोसिएट होना है, जो लोग भी जिनको भी पढ़ना है, तो वो ऑब्वियसली अपना जो प्लान है वो कर सकते हैं मेरे साथ। और ये मेरा प्लानेट गेट चैनल है जिसमें मैं अपना प्लानेट गेट मैकेनिकल के नाम से, बट डोंट कन्फ्यूज कि सर केवल मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल नहीं, आप इसमें सीएच वाले या आपके सिविल वाले जो भी लोग हैं वो सारे के सारे ऐड हो सकते हैं, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। अनअकैडमी के बारे में अगर बात करूं तो अनअकैडमी नो डाउट आपको जस्ट फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अनअकैडमी आपको पेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें एक आपको मिलता है प्लस, दूसरा आपको मिलता है आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, आपको मिलता है वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्स, ठीक है। और अगर आइकॉनिक के बारे में बात करें तो आइकॉनिक के बारे में प्लस आपको पूरे प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही में आपको मिल जाता है एक पर्सनल कोच, आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी बूस्टर सेशन, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल। तो प्लस आइकॉनिक में जो कोई भी आपको लग रहा है कि मैं चूज करना चाहता हूं तो आप चूज कर सकते हैं, आप फ्री है। आपको लग रहा है कि आप प्लस में चला लेंगे, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक पर्सनल कोच की जरूरत रहती है जो मुझे डेली बताए कि मेरे क्वेश्चन जो भी हमें क्वेश्चन का डाउट आ रहा है वो बताए, कुछ और भी डाउट रहते हैं तो वो बताए, तो यस यू कैन जस्ट यूज दिस कोड त्यागी 100 और आप यहां से जस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली मैं अभी जो फोकस कर रहा हूं वो ये कि जो 2023-24 वाले हैं वो अभी से प्लान करें, जिनको हर चीज एक सिस्टमैटिक मैनर में चाहिए, जिनको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है। ये आपके आइकॉनिक और प्लस के प्राइसेस हैं। 24 मंथ्स का जो प्राइस है वो 1770 रुपीज है, और 24 मंथ्स का जो ये प्राइस है वो 3120 है, 18 मंथ्स का जो प्राइस है वो 2065 है, और यहां से प्लस के, और 12 मंथ्स का 2434 है, ठीक है, 2434। सिमिलरली यहां पे 12 मंथ्स का 4234 है अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए एक ऑफर आया हुआ है, दोज हु वांट टू टेक, जिनको लग रहा है कि हाँ मैं लेना चाह रहा हूं वो अभी ले सकते हैं। जो लोग भी 12 मंथ्स का लेंगे, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो ऑलमोस्ट आपको 15 मंथ्स मिलेगा। मींस अगर आप अभी से परचेस करते हैं तो आप दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से लेके आपको आगे मार्च तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, फैब मार्च तक का। तो यस आप फैब मार्च तक अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो लोग भी गेट 2023 या 24 के लिए प्लान कर रहे हैं, 24 वाले तो ऑब्वियसली 24 मंथ्स वाला भी ले सकते हैं, बट ये वाला आपके लिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, द कोड इज व्हाट त्यागी 100। आप इस कोड को लगाएंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस जो भी करंट रनिंग ऑफर्स होंगे वो मिलेंगे, और मैं आपको मेंटोर करूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी कि आपको जब आप अनअकैडमी पे आते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, क्या क्या हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिनको लग रहा है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, दोस्त वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट, ऑब्वियसली जब आप अनअकैडमी आइकॉनिक लेते हैं तो आप यहां से लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट आपको सारे मिलते हैं, आप ये कोड यूज कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो जस्ट उसका एंजॉय कर सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस हैं, नो डाउट आपको यहां से इंटरेक्टिव स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, जिसमें पोल्स मिलते हैं, रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, क्लास कभी मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन जाते हैं, लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, क्लास कभी भी कहीं भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह 9 AM पे मेरी क्लास चलती है जिसमें मैं रेडिएशन अभी पढ़ा रहा हूँ, दोज हु वांट टू ज्वाइन वो टुमारो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अनअकैडमी में आस्क अ डाउट, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट अपने पूछ सकते हैं कहीं भी कभी भी, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलते हैं, इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, आप अपना काम कहीं से भी
कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई अपनी कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कॉम्बैट है, अभी अभी हुआ है, नेक्स्ट वीक पे फिर से होगा, ये 21st है, नेक्स्ट वीक पे आपको फिर से पड़ेगा, तो आप कॉम्बैट में भी अपीयर हुई है ताकि आपको प्राइजेस मिले। ये केमिकल का न्यू बैच है और ये मैकेनिकल का न्यू बैच है, तो केमिकल या मैकेनिकल जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, यू कैन यूज माई कोड त्यागी 100 और आप यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे ना 5 लोग दिख रहे हैं जो वॉचिंग में है, ऐसा क्या है, मतलब 5 ही लोग को पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो आप वहां से पढ़ लो जाके, 4 लोग 5 लोग 4 लोग 5 लोग, अगर इतने लोगों को पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ फिर आप वहीं से पढ़ लो जाके, फायदा क्या है, मैं मतलब इतना मेहनत से आपको पढ़ा हूं और उसके बाद आप बोलो कि नहीं सर मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, है ना। चलो मेरी बात सुनो, हम लोग आज ना एनर्जी इंटरेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग ना एनर्जी इंटरेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी इंटरेक्शन पे। ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पहले आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन बेटा हमें अच्छे से पता है कि एनर्जी के दो फॉर्म हमने डिस्कस किए हैं, एक फॉर्म हमारे पास होता है हीट और दूसरा फॉर्म हमारे पास होता है वर्क। हमारे पास एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है हमारे पास हीट और दूसरा फॉर्म हमारे पास होता है वर्क। तो हम ऑब्वियसली अभी जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इसी पे करने जा रहे हैं कि हमारा हीट का क्या डिस्कशन है, दूसरा हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वर्क पे। ठीक है, वन बाय वन हम हीट और वर्क पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग यहां पे हीट पे डिस्कशन करेंगे, बट लोग मुझे बहुत कम दिख रहे हैं तो मैं क्या डिस्कशन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा आज, मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है या करना नहीं है क्लास, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, मुझे लोग बड़े कम दिख रहे हैं, है ना, ऐसा ना हो कि बाकी लोगों का नुकसान हो जाए और फिर बाकी लोग बोले कि सर करना चाहते थे लेकिन हमको पता ही नहीं चला, मैंने शेयर तो कर दिया था हाफ एन आवर पहले, अभी शेयर तो कर दिया था, बताएं जल्दी से। मैच देख रहे हैं सर, आज मैच आ रहा है तो मैच तो मतलब मैच थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, बाकी सब कुछ ओके है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, बट मैच थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, मेरे करियर की बात है, पूरा का पूरा गेट की जो अंडर 100 रैंक आनी है वो मैच के बेसिस पे ही आनी है, करेक्ट, सही बोल रहे हैं, यस। जल्दी से मुझे बता दें एक बार कमेंट करके कि क्या हम कंटिन्यू करें, और अगर करना है तो फिर इतने में ही कंटिन्यू करना है, और अगर इतने में करना है तो फिर थर्मो पढ़ा चुका हूं मैं, मतलब उस लेवल पे लेके नहीं जाऊंगा, फिर मैं वहीं पे एंड कर लूंगा, है ना। फिर आप ये मत बोलना कि नहीं सर मुझे मतलब ठीक नहीं लगता है, अगर ऐसा लगता है कि जब पढ़ना नहीं है किसी को तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं। पता नहीं चला होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पता चलने का ये जरिया है ना कि मैं शेयर करता हूं या आपको YouTube पे दिखता है। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मैंने नोटिस डाला था कि कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा इशू था, है ना। हाँ, क्यों एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था, मैंने बोला था कि कल क्लास होगी। ठीक है, श्रेया का कहना है कि सर हमको पढ़ाइए बाकी सब छोड़िए, ठीक, सुनिए मेरी बात। अभी हम अगर यहां से एनर्जी इंटरेक्शन की बात करें तो श्रेया ने जस्ट बोला है कि आप पढ़ाना शुरू करिए, तो फिर चलिए पढ़ाते, ठीक है, जो पढ़ रहा है कम से कम उसी को पढ़ा देते हैं, सुनो मेरी बात। अभी हम यहां से जस्ट बेटा एनर्जी इंटरेक्शन की बात करें तो एनर्जी इंटरेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क के, है ना। हमने एनर्जी के दो फॉर्म लिए, एक हमने जो बात की है दैट इज ऑन वर्क, सुनते जाना बहुत आराम से। मैंने बोला कि जब हम वर्क के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली में हम वर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सर हमारे पास जो वर्क आएगा वो हम दो टाइप से वर्क का डिस्कशन करते हैं एक हम बात करते हैं बच्चे बाउंड्री वर्क का, ठीक है, और एक हम यहां से जस्ट बात करते हैं ओपन सिस्टम या फ्लो वर्क का। ठीक है, चलो अभी मैं इस पर बाद में डिस्कशन करता हूं पहले हम लोग यहां से थोड़ा सा वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। इन जनरल अगर हम यहां से बेटा वर्क के बारे में बात करना शुरू करें तो हाँ ठीक है, मतलब अब ये भी मेरा ही काम है ना कि घर पे जाऊं मैं उनको समझाऊं कि आप भाई आपको क्लास लेनी है, है ना, आप आ जाना, है ना, क्योंकि भाई ऐसा अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि पर क्लास में किसी को लगा दूं कि चलो आप पर क्लास आपको 100 रुपए मिलेंगे, है ना। एक तो ये कि चलो आपको मतलब फ्री में क्लास करनी है, फिर इसके बाद ये हो जाए कि नहीं अब एक काम करो टीचर आपको 100 रुपए और दे क्लास का, तब आपको करना है,
ठीक है, तो आपकी मर्जी, सुनो मेरी बात। हम बच्चे यहां से जस्ट ऐसे कर रहे थे वर्क के बारे में, हम यहां से जस्ट बात कर रहे थे वर्क के बारे में। मैंने बोला कि देखो वर्क इज इक्वल टू, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वर्क इज इक्वल टू, सर हमने पढ़ा है दैट इज फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर हम यहां से वर्क के बारे में बात करें तो सर वर्क इज इक्वल टू, हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की। सर हम ऐसे पढ़ते हैं, सर हम ऐसे पढ़ते हैं। नाउ अभी मैं यहां से क्या बात करने जा रहा हूं, मैंने बोला कि देखो सर अगर मैं यहां से सिंपली अपने वर्क के बारे में, थर्मोडायनेमिक के वर्क के बारे में डिस्कशन करूं, तो मैं यहां से क्या बोलता हूं, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। सुनते जाइएगा, मैंने बोला कि इन जनरल जो अगर हम जनरलाइज इक्वेशन की बात करें वर्क की, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट अगर मैं यहां से जनरलाइज इक्वेशन के बारे में बात ना करके मैं एक थर्मोडायनेमिक के लिए वर्क की बात करूं कि सर हम कब बोलेंगे कि सर हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम काम कर रहा है, जनरलाइज इज ओके, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बट अगर हमसे जस्ट बोले कि सर मैं यहां से जो डिस्कशन करना चाहता हूं वो ये कि कब हम बोलेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक वर्क कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि सर इन जनरल वी ऑलवेज से कि थर्मोडायनेमिक वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। अब आप यहां से बोलेंगे सर रेजिंग ऑफ वेट्स को कैसे इक्वेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया गया है, मेरे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया गया और इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मैं अभी रेजिंग ऑफ वेट्स देखना चाह रहा हूं। ठीक है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बच्चे मैं रेजिंग ऑफ वेट्स देखना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि एक्चुअली में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां से इसमें हीट सप्लाई करना शुरू किया, जब हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया तो पिस्टन ऊपर राइज करना शुरू करेगी, करेक्ट। जब पिस्टन राइज करना शुरू करेगी तो हम यहां से जस्ट बोलेंगे कि सर ये पिस्टन ऊपर गई, और अगर ऊपर गई तो इसने कुछ डिस्टेंस यहां से कवर कर ली और वो डिस्टेंस लेट सपोज एक्स हो गई, अंदर से इस पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स हमारा कितना है, इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट। तो अगर मैं यहां से जस्ट बोलूंगा तो सर मेरी बेसिक इक्वेशन यही कह रही है W इज इक्वल टू एफ इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, करेक्ट। W इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा बेटा, f इंटू x, और डेफिनेटली आप यहां से बोल सकते हैं कि सर हाँ ये हमारा यही फंडा फॉलो कर रहा है। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो कि सर मेरे पास ना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का दिया हो, लेट सपोज हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का दिया हो कि हमारा इस पे ये जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई तो यहां से बेटा क्या हुआ, ये एक्स डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। जब एक्स डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई तो मतलब इस पे फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है बट अगेंस्ट में हो रहा है, और अगर इसमें हो रहा है तो आप यहां से बोलोगे सर डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस आएगा क्योंकि अब ये नेगेटिव एक्स हो रहा है। एक्चुअल में हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में, डेल्टा एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम यहां से एफ डेल्टा एक्स नेगेटिव वाले की बात करेंगे, और अगर एफ डेल्टा एक्स नेगेटिव की बात करेंगे तो हमने बोला ये जो काम हो रहा है ये एक्चुअल में ऑन द सिस्टम हो रहा है, और ये वाला जो काम हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है। तो हमें दो केसेस मिले, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक हमको मिलता बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर हम यहां से ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम का डिस्कशन करें तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर थर्मोडायनेमिक्स में अगर हमारा सिस्टम वेट को रेज कर रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है, और अगर सिस्टम हमारा जो सॉरी वेट जो है वो हमारा डाउनवर्ड आ रहा है इसका मतलब हमारा सिस्टम पर काम हो रहा है। पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने जहां से जस्ट डिफाइन किया इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। और रेजिंग ऑफ वेट्स में हमने यहां से बहुत क्लियरली बोला कि सर अगर ये वेट रेज हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, और अगर वेट हमारा डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है। आपकी मर्जी है, आप यहां से साइन कन्वेंशन लेना चाह रहे थे तो साइन कन्वेंशन दो टाइप से हो सकता है कि सर अगर हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है डब्ल्यू ऑन द सिस्टम, आप यहां से लेके चल सकते हैं सर ये नेगेटिव है, और यहां से हमने जस्ट इसके बारे में बात की ये ऑन द सिस्टम है, और अगर हम यहां से बाय द सिस्टम की बात करेंगे तो डब्ल्यू बाय द सिस्टम जो हमारे पास आएगा दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ऑन द सिस्टम जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा नेगेटिव, ये आप यहां से लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप अपनी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, देखो ऐसा जरूरी नहीं, मैं और एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं मैंने जस्ट इतना ही बोला कि इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। मैंने बोला वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेस्ट, ऐसा जरूर नहीं कि आपको वेट को रेस कराना,
आपको जस्ट फील हो जाए, आपको जस्ट फील हो जाए कि अगर हम इसको जस्ट देखेंगे तो इसमें वेट रेज हो जाएगा, तो ये वर्क डन हमें दिख जाएगा। अगर हमने यहां से पहले वेट डाउनवर्ड आया तो ये भी हमें दिख जाएगा कि वर्क डन हो रहा है। हाँ, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम बात की बात है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से जस्ट थर्मोडायनेमिक वर्क की बात कर रहे हैं, आप यहां से जस्ट ऐसे बोलिए, आप यहां से बोलेंगे सर मैं बाइक चला रहा था, मैं बाइक चला रहा हूं, ये मेरी बाइक है, ये बाइक का व्हील है ना, ये बाइक के बीच में हमारा कनेक्शन है यहां से, ठीक है, ये आप यहां से जस्ट इसके दो हैंडल बना लीजिए, यहां से ऐसे हैंडल बना लीजिए और यहां पे आप एक बंदा बैठा दीजिए, ठीक है, यहां से एक बंदा बैठा दीजिए, इसको पकड़ा दीजिए ये बाइक। अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, मेरी जो बाइक है ना वो घूम रही, मेरी जो बाइक है वो घूम रही है। अब यहां से जब बाइक घूमेगी तो इसकी शाफ्ट ये रही, इस शाफ्ट के यहां से जैसे जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, इस शाफ्ट के परपेंडिकुलर आप यहां से क्या करोगे, वेट बांधोगे। जैसे ही बेटा आपका व्हील मूव करना शुरू करेगा ना, आपका वेट जो है वो राइज हो जाएगा। बाय चांस आपने बाइक स्टार्ट कर ली, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मैं बाइक स्टार्ट करता हूं, आपने किक लगाया या सेल्फ लिया, आपकी बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होने के बाद आप एक्सीलेटर लेते गए लेकिन बाइक का व्हील घूमना बंद हो जाए, आप बोलोगे यार पता नहीं कैसी बाइक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं सब कुछ होता है लेकिन ये चलती नहीं है, चलती नहीं मतलब वो खराब हो गई। कार के बारे में आप बात करेंगे कि कार को स्टार्ट करना, वो स्टार्ट हो जाए बट आप बोलोगे यार पता नहीं स्टार्ट हो जा रही लेकिन चल नहीं रही, मतलब वो खराब हो गई। आप कब बोलोगे कि वो चल रही है, जब उसके परपेंडिकुलर उसकी एक्सेस रही, इस एक्सेस में आप वेट लगा दोगे, जब ये वेट रेज हो जाएगा तो आप बोलोगे हां वेट रेज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो कार है वो घूम रही है। तो व्हाट आई वांट टू से, हम हमेशा जैसे एक ही चीज ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में टेबल फैन लगा रहता है, इस टेबल फैन में से फैन हटा दीजिए, और यहां पर आप फैन की जगह पर एक पुली लगा के इसमें वेट लगा दीजिए। आप क्लियरली जानते हैं कि जैसे ये पुली मूव करना शुरू करेगी, ये वेट आपका यहां से ऊपर जाना शुरू होगा, और जब वेट ऊपर जाना शुरू होगा तो आप यहां से बोलेंगे यस आपका वर्क हो रहा है, क्लियर है। आप अगर आपका फैन चल, लेट सपोज उसने बोला कि वो करंट तो ले रहा है लेकिन फैन चलना शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप बोलेंगे फैन आपका खराब हो गया है। तो दुनिया में कभी भी अगर आपको जस्ट थर्मोडायनेमिक वर्क को डिफाइन करना है तो आप बहुत आराम से बोलते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑमिट। जो भी सिस्टम है उसके बाहर जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो बस इतना बता दे कि वेट रेज होगा या नहीं। वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, वेट को रेज नहीं कराना, जस्ट इट कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ इट्स, इसको हम केवल इक्वेट कर पाए कि ये वेट को रेज करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन चाहे तो एक बार लिख लीजिए, यहां से इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम, if the things external to the system, can be equated to, if the things external to the system can be equated to raising of weights, नीचे वाली लाइन से इसी में लिखिएगा वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, weight may not be actually raised but the things can be equated, ठीक है। आप चाहें तो यहां से वर्क के बारे में ये बना सकते हैं, ठीक है, आप यहां से चाहें तो यह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, दिस इज फॉर पेज वन, है ना। आपको जस्ट यहां से मैंने दिखाया था कि आप यहां से पॉजिटिव एक्स ले रहे हैं, डेल्टा एक्स, इसके केस में मैंने डेल्टा एक्स जो लिया वो पॉजिटिव लिया और इसके केस में मैंने जो डेल्टा एक्स लिया वो नेगेटिव लिया, ठीक है। नेगेटिव मतलब हमारा सिस्टम पे काम हो रहा है और इसके केस में हमने जो डेल्टा एक्स लिया वो पॉजिटिव लिया मतलब सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। आपने बोला कि हाँ इतनी बात मुझे बिल्कुल सत्यता के साथ समझ में आ गई है।
अब जरा यहां से थोड़ा सा डिस्कशन करना शुरू करते हैं। मैंने जस्ट बोला कि भाई ऐसा हो गया, दैट इज ओके, मुझे इतनी बात सर समझ में आती है। अब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है ना, कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने कुछ इस टाइप से लिया। ये मेरे पास ना एक बैटरी है, ये मेरे पास एक बैटरी है, इस बैटरी में मेरे पास यहां से ये एक मोटर है ना। इस बैटरी में मैंने क्या किया, एक मोटर फिट की और इस मोटर को मैंने यहां से जस्ट कनेक्ट कर दिया एक फैन एसी में, ठीक है। जब मोटर के साथ हमने यहां से फैन को कनेक्ट किया, मैंने इस सिस्टम को कुछ इस टाइप से बना लिया, ओके। अब जब इस सिस्टम को बनाया तो मैंने यहां से बैटरी से क्या किया, यहां से जस्ट इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, मोटर में गए, मोटर ने उनको वर्क में कन्वर्ट किया, चलाना शुरू किया तो आपको यहां से ये मूव करना शुरू की और ये यहां से जैसे ही रोटेट हुआ तो मैंने बोला कि हाँ अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो शाफ्ट है वो मूव कर रही है, ठीक है। जब शाफ्ट मूव कर रही है तो मैंने बोला कि हाँ यहां पे जो वर्क मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, शाफ्ट वर्क मिल रहा है। फिर हमने थोड़ा सा आगे सोचना शुरू किया, मैंने बोला कि इसी सिस्टम को अगर मुझे चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो मैंने इस सिस्टम को रिप्लेस किया, मैंने इस सिस्टम में थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया और वो रिप्लेसमेंट कैसा था वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहां से जस्ट बेटा क्या किया, मैंने बोला कि ये मेरे पास एक बैटरी थी, इस बैटरी को यहां से मैंने ऐसे ही रखा, यहां से मैंने इसमें एक मोटर लगाया और मोटर को मैंने यहां से जस्ट आगे देखने की कोशिश की, रुकिएगा एक मिनट, ये नीचे बन गया गलती से, ठीक है। हमने यहां से बच्चे इस मोटर को कुछ इस टाइप से देखने की कोशिश की, ये मेरे पास यहां से मोटर लगा और मोटर से मैंने क्या किया, यहां से फैन लगा था ना, उस फैन में मैंने यहां से एक पुली लगा दी और उस पुली में मैंने कुछ वेट लगा दिया, ठीक है। मुझे क्लियर हुआ कि अगर ये वेट रेज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल काम कर रहा है, इससे मुझे कोई भी इशू नहीं, सिस्टम हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यस, इसमें भी जो हमको काम मिलेगा वो डेफिनेटली कौन सा काम मिलेगा, वो हमारा शाफ्ट वर्क मिलने वाला है, इसमें भी जो काम मिलने वाला दैट इज नथिंग, इट इज शाफ्ट वर्क, ठीक है। अब बाय चांस अगर हमसे ये सिस्टम ऐसा ना देखे, कुछ इस टाइप से दे देता, आप यहां से जस्ट बोल सकते हैं, अगर बाय चांस ये सिस्टम ऐसा ना देखे कुछ इस टाइप से दे देता, हमने यहां से बेटा ये एक बैटरी ले ली, यहां से एक ये बैटरी ले ली, बैटरी के बाद मैंने यहां से एक मोटर ले ली और मोटर के बाद मैंने यहां से जस्ट ये शाफ्ट ले ली और शाफ्ट में मैंने फैन लगा दिया, ये फैन मूव कर रहा है। इसके केस में हमने जस्ट बोला थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम चेक करनी, ध्यान रखना हमेशा हमें थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम चेक करनी है। अगर मुझे थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम चेक करनी है तो ऑब्वियसली मैं यहां से जस्ट देखूंगा कि मुझे विजिबिलिटी किसकी है, विजिबिलिटी मुझे मोटर की है तो मैं यहां से क्लियरली बोलूंगा कि सर अब मुझे समझ में आ गया कि अंदर कौन बैठा हुआ था, वो मोटर बैठी हुई थी। क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम को देखूंगा, जैसे आपका ऑब्वियसली जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, वेट फैन से ही कनेक्ट है ना, वेट फैन को हटा के पुली से कनेक्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। हमने फैन हटाया है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर जब फैन घूमता था उसकी जगह पर वेट लगाएंगे तो वेट रेज हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है और अगर नहीं हो रहा तो सिस्टम काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अभी हमने यहां से जस्ट आगे देखना शुरू किया, मैंने बोला कि हाँ इसके बाहर हमें केवल शाफ्ट दिख रही थी, शाफ्ट मूव कर रही, तो मैं बहुत आराम से बोला था शाफ्ट काम कर रही, लेकिन जब हमने यहां से पर्दा उठाया तो मुझे पता चला मोटर काम कर रही थी। जब यहां से देखा तो मैंने बोला कि ना अब मुझे जो विजिबल है मैं उसके बारे में, यार ऑब्वियसली तुम्हारे घर में दो भाई हो, अगर जो पढ़ता है पापा वही तो बोलते ना, ये वाला पढ़ता है ये वाला नहीं पढ़ता है ना, या आपके टीचर जो है वो बोलते ये वाला पढ़ता है, जो दिखता है वही तो हम बोलते हैं। तो सिमिलरली हमको यहां पर मोटर दिखी तो हमने बोला कि हाँ अब सर इसमें मोटर काम कर रही है, मुझे अच्छे से पता है ये चीज, ठीक है। अगर बाई चांस हमसे यहां से जस्ट बात करता, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई शुरू होने के बाद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया है ना, आपने यहां पे मोटर लगाई, मोटर के बाद आपने यहां से जस्ट कुछ इस टाइप से लिया, सॉरी यहां पे बैटरी लगाई, आपने यहां पे बैटरी लगाई, बैटरी के बाद आपने यहां पे मोटर लगाई और मोटर के बाद आपने यहां पे जस्ट इसमें फैन लगा दिया। अब सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, अब बहुत अच्छे से पढ़े, सब कुछ बहुत अच्छे से किया, आपका रिजल्ट नहीं आया तो लोग क्या बोलेंगे, अबे पढ़ाई नहीं की होगी। वही काम सिस्टम के अंदर, सिस्टम का अगर कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है तो आप यहां से बिल्कुल क्लियरली आंख बंद करके बोलेंगे कि जब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई भी वर्क
नहीं हो रहा है, ठीक है। जब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा। अब इनका मतलब क्या, देखो यहां से मेरा जो वर्क था वो इस शाफ्ट के थ्रू लड़के बाहर आ रहा था, यहां से जो वर्क था वो इस शाफ्ट के थ्रू लड़के बाहर आ रहा था, यहां से भी जो वर्क था वो मोटर से बाहर निकल के आ रहा था, किसके थ्रू, शाफ्ट के थ्रू। यहां से ये वर्क निकल के ही नहीं आ रहा है, और अगर निकल के नहीं आ पा रहा तो हमने बोला कि भैया आपके अंदर से वो वर्क निकल के बाहर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि तुम काम कर रहे हो। अच्छा ऐसी बात है, अगर अंदर से निकल के आएगा तो मान जाएंगे? यस, अंदर से निकल के आएगा तो हम मान जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, हम फिर से एक लाइन जस्ट लिखते हैं, क्या जस्ट अभी मैं समझा रहा हूं, हम यहां से बोलते हैं वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका सिस्टम, या तुमने पढ़ाई की या नहीं की, तो तुम बोलोगे मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो लोग बोलेंगे नहीं तुमने पढ़ाई नहीं की। सेम सिस्टम का काम है, सिस्टम खूब बोले कि मैं अंदर बहुत काम कर रहा हूं। जैसे आपने बाइक को स्टार्ट कर दिया, आप बाइक को स्टार्ट के बहुत तेज एकदम से उसका एक्सीलेटर लिए जा रहे हो, चल भी रही लेकिन आगे नहीं जा रही, तो आप बोलोगे बाइक मेरी खराब है। सिमिलर सिस्टम के साथ कि सिस्टम चाहे जितना काम कर रहे लेकिन जब तक वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तब तक आप कभी नहीं बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। और इसी वजह से हम यहां से बोलते हैं कि वर्क ओनली कैन बी सेट टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री। और अगर ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये काम कर रहा है। और इसी वजह से हम वर्क को बेटा बाउंड्री फिनोमेना के नाम से जानते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम वर्क को हमेशा बाउंड्री फिनोमेना के नाम से जानते हैं। वर्क इज नोन एज बाउंड्री फिनोमेना। पॉइंट क्लियर हुआ, वर्क इज नोन एज बाउंड्री फिनोमेना। हमेशा हम जस्ट बोलते हैं कि भैया वर्क के बारे में, वर्क नहीं हीट के बारे में भी बात करेंगे। हीट जब तक आपकी सिस्टम को क्रॉस करके ना जाए, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, इस रूम में आग लग जाए, अगर इस रूम में आग लग जाए तो जब तक हीट सिस्टम के बाहर नहीं आएगी तब तक हम कभी नहीं बोलेंगे कि हीट हमारी ट्रांसफर हो रही। हाँ, रूम के बाहर अगर एकदम से वॉल्स वगैरह, जो भी रूम की वॉल्स है, एकदम से रेड हॉट हो जाए, लोगों को अरे रूम में तो आग लग गई, अरे रूम में तो आग लग गई, वो क्यों? क्योंकि उनको दिखा कि हीट बाहर आ रही। या दीवारें गर्म हो जाए तो समझ में आएगा। सिमिलर, हीट भी आपका बाउंड्री फिनोमेना है, वर्क भी आपका बाउंड्री फिनोमेना है। तो आप अगर कहीं पर भी डाउट में रहे तो बताइएगा। मैंने फर्स्ट यहां से बोला कि वर्क डेफिनेटली जब भी आप बात करेंगे वर्क आपका बाउंड्री फिनोमेना है, ठीक है। वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमेना। हमेशा जब जब आपको याद रखना है कि ये बाउंड्री क्रॉस करके नहीं आता है तब तक हम कभी नहीं बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। इसीलिए हम क्लियरली बोल देते हैं कि दिस बाउंड्री फिनोमेना। हीट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हीट इज ऑल्सो बाउंड्री फिनोमेना, ठीक है। हीट इज बाउंड्री फिनोमेना, हीट भी आपका क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये बाउंड्री फिनोमेना नहीं है, ये भी आपका बाउंड्री फिनोमेना है। दोनों के बारे में मैंने यहीं पे लिख दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, मेरे ख्याल से सब लोग अपने घर में रहते हो, किसी ने घर परचेस किया होगा, किसी ने घर अपना बनवाया होगा, करेक्ट, किसी ने परचेस किया होगा, किसी ने बनवाया होगा। लेट सपोज अपने आपके कॉलेज की बात करता हूं, सारे लोग कॉलेज पढ़ने गए होंगे। अच्छा, ये लेट सपोज आपके कॉलेज की एक बिल्डिंग है, है ना, ये लेट सपोज आपके कॉलेज की एक बिल्डिंग है, है ना, और इस बिल्डिंग में आप गए, यहाँ पे ऑफिस था, यहाँ पे रूम्स थे, आपके क्लासरूम थे, है ना, यहाँ पे भी आपके क्लासरूम थे, यहाँ पे भी क्लासरूम थे, कुछ इस टाइप से ऐसे बनी हुई थी बिल्डिंग, है ना। यहाँ पे वॉशरूम थे, यहाँ से आपने बोला कि रेस्टरूम थे, हम गए और अपने वॉशरूम करके आते थे, कुछ इस टाइप से। मैं जस्ट आपसे छोटा सा क्वेश्चन बस पूछना चाह रहा हूँ, छोटा सा, लेट सपोज हमने छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा कि जब आप बिल्डिंग में गए थे तो कोई भी बच्चा क्या ये बात बता सकता है कि इन रूम में से पहला रूम कौन सा बना था? आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग की जस्ट दिमाग में लाओ, कॉलेज की बिल्डिंग को अपने दिमाग में लाओ, कोई भी बच्चा मुझे यह बता सकता है कि इनमें से पहला रूम कौन सा बना था? कोई सिंगल स्टूडेंट मुझे यह बता सकता है कि मेरे कॉलेज का पहला रूम ये वाला बना था? किसी बच्चे को पता है क्या? किसी बच्चे को पता है क्या जो ये बता सकता हो कि उसके कॉलेज का पहला रूम कौन सा बना था? कोई है जो ये बताना चाह रहा है कि हाँ मेरे कॉलेज का पहला रूम जो है वो कौन सा बना था? इज देयर एनीवन?
बताइए। नहीं, रीजन रीजन सिंपल है कि मैं मतलब मैंने देखा ही नहीं, मैंने अपने कॉलेज को बनते नहीं देखा। या मैं अपने घर की बात करूं तो मैं अगर घर को बनते नहीं देखा हूं तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि मेरे पहला रूम कौन सा तैयार हुआ था। करेक्ट। तो व्हाट आई वांट टू से कि वर्क के केस में अगर आप बात करोगे तो वर्क अपनी प्रॉपर्टीज को केवल तभी शो करता है जब वो हो रहा होता है। जैसे होता ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पूछना पड़ेगा, ये देखो हाँ कॉन्ट्रैक्टर को पूछना पड़ेगा। तो मैं यहां से क्या बात करना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि देखो सिंपल सी बात है, ये दो ही चीज, दो ही लोग जानते हैं, एक जिसने बनवाया है या जिसने बनाया है, और एक ऊपर वाले मतलब जानते हो भगवान, जिसने मतलब देखा है। एक बनवाया है जिसने, एक जिसने देखा, बस दो ही लोग हैं, जिसने बनाया और जिसने बनवाया, ठीक है। या ऊपर वाले तो बताने आएंगे नहीं। तो व्हाट आई वांट टू से इसका मतलब, हम जब कॉलेज बन रहा था अगर हम उस टाइम पे पहुंच जाते तो मुझे डेफिनेटली पता चल जाता कि मेरे कॉलेज का जो रूम था वो कौन सा बना था। यस, तब मुझे पता चल जाता। तो इसका मतलब सिंपल सा है, सिंपल सा मुझे जो मतलब समझ में आया कि वर्क हमेशा हमेशा हम उसका रिकॉग्निशन तभी कर सकते हैं जब वो हो रहा होता है। जब वो हो चुका है तब उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, जब वो होने वाला होता है तब भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इट मींस व्हाट आई वांट टू से, वर्क loses its properties, work loses its properties once the process is over। ध्यान रखिएगा, work जो है ये अपनी properties को lose कर जाता है। work loses its properties once the process is over, ये अपनी properties को lose कर देता है, properties once the process is over। अच्छा, जैसे ही process over हो जाता है ये अपनी properties को लूज कर देता, और जैसे ही प्रॉपर्टी को लूज करता है तो मुझे क्लियर हो जाता है, एंड हेंस वर्क जो है वो हमारा एक्चुअली में, अगर मैं यहां से बात करूं तो वर्क हमारा जो है वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ट्रांजिएंट रीजन में रहता है कि भैया जब हम हो रहे हैं, यस हम यहां से इनिशियल फाइनल स्टेज से इसको डिस्कस नहीं कर सकते, हाँ पहले यह था बाद में यह हो गया, ऐसे ऐसे हुआ, ये नहीं कर सकते। ये हमेशा ट्रांजिएंट स्टेट में रहता है, मतलब जब तो हो रहा तब तुम बता पाओ, हो गया तो हम नहीं जानते। हम अपनी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जब ये हो गया तो इसकी मेमोरी लूज हो गई, अब इसको नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। तो इसी वजह से बच्चे हम यहां से क्लियरली बोलते हैं कि ये ट्रांजिएंट फिनोमेना है, एंड हेंस वर्क इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना। ठीक है, वर्क जो है वो आपका ट्रांजिएंट फिनोमेना है। सिमिलर कहानी आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारे घर में जब मामा आए थे तो मामा को हमने जब पानी दिया था, पानी गर्म करके दिया था, तो हमने कैसे दिया वो मामा जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं बता सकते, और देखेंगे नहीं तब तक नहीं बता सकते मतलब हीट मैंने गैस से सप्लाई की थी, हीट मैंने धूप से सप्लाई की थी, हीट मैंने प्रेशराइज करके, हीट मैंने कोल से, उनको नहीं बताया, इमर्सन रॉड डाल दी थी डायरेक्टली। तो हीट के बारे में भी वही कि हीट जब ट्रांसफर हो रही होती तभी हम जान पाते हैं कि हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है। इसी वजह से हीट भी आपकी हमें दिखती है कि ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ठीक है, तो हीट इज ऑल्सो अ ट्रांजिएंट फिनोमेना, ऑल्सो ट्रांजिएंट फिनोमेना, ध्यान रखिएगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जस्ट मैं आपके बेसिक के लिए बता रहा हूं, है ना, ऐसा ना हो कि आपको क्लियर ना हो। ठीक है, हीट जो है वो भी आपकी बेटा कैसी है, ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ये भी आपका यहां से ये नहीं बोल सकते कि सर हाँ नहीं ट्रांजिएंट नहीं है, हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको हीट और वर्क के बारे में मुझे बताने थे। आई होप मतलब ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। मैंने अभी तक जो बताया वो बस इतना, वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। फिर मैंने यहां से जस्ट बोला कि वर्क वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड बट द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड। ठीक है, फिर हमने यहां से दो टाइप से वर्क देखने के बाद फिर हमने यहां से कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हमें कुछ इस टाइप से मिला। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे जाने के बाद तब हमने यहां से वर्क के बारे में वेरियस पॉइंट्स देखे, और हमें दो पॉइंट हीट के बारे में भी मिले एज वेल एज वर्क के बारे में मिले। ठीक है, अब मुझे यहां से जस्ट ये बता दो, लेट सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप का ये सिस्टम दिया गया, ये मेरे पास एक बैटरी है। ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी है, और इस बैटरी से मैंने एक मोटर कनेक्ट किया है। ठीक है, इस बैटरी से मेरे पास एक मोटर कनेक्टेड है, और इस मोटर से मैंने यहां से फैन कनेक्ट किया है। अब इस बैटरी को मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा सिस्टम है, इस बैटरी से मेरा ये सिस्टम है, तो मैं केवल इसको देखूंगा। मैंने बोला कि मैं केवल इसको देखना चाह रहा हूं। ठीक है, ये सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी सिस्टम है।
तो मुझे जरा यह चीज बताना, मैं अभी इसको नहीं देख रहा हूं, ध्यान रखना। मैं यहां से जस्ट बोल रहा हूं फॉर अ सिस्टम, यह हमारा सिस्टम है, फॉर दिस सिस्टम, मैं इस सिस्टम के लिए बात करना चाह रहा हूं, फॉर दिस सिस्टम W इज इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, W नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, फॉर दिस सिस्टम की बात कर रहा हूं, W इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड D इज W नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज Q नॉट इक्वल टू जीरो। कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बता दो मुझे। फॉर दिस सिस्टम विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताएं। फॉर दिस सिस्टम विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताएं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। श्रेया बोल रहे हैं कि सी ऑप्शन होगा, बाकी सब लोग बोल रहे हैं डी ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए कि सर अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इट इज बट ऑब्वियस कि सर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है। मुझे एक चीज बताओ यार, बैटरी से ना, बैटरी से भाई ये सिस्टम है, अब बैटरी से बाहर क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ना, बैटरी से बाहर क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स हीट के फॉर्म में जा रहे होंगे या वर्क के फॉर्म में जा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर हाई ग्रेड एनर्जी, बस सिंपल इतना है कि वो हाई ग्रेड एनर्जी, बट वो अभी वर्क में कन्वर्टेड नहीं, वर्क में कन्वर्टेड नहीं, ठीक है। हमने जस्ट, हम जस्ट बोलते जरूर है कि वर्क इज ऑल्सो हाई ग्रेड एनर्जी, बट हम यहां से जस्ट अगर बात करें तो वर्क, इलेक्ट्रॉन्स आपके डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, ये ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कभी भी आपका काम नहीं कर सकता। इससे जो भी जा रहा वो किसके फॉर्म में जा रहा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जा रहा, और अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जा रहा तो मुझे ये चीज क्लियर है कि जब मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पे लाऊंगा, हमेशा मोटर पे लाऊंगा, तो मोटर इन इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करेगा वर्क के फॉर्म में, मोटर इन इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करेगा वर्क के फॉर्म में, और ये यहां से वर्क देना शुरू करेंगे, ऐसे ही तो होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वर्क, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वर्क। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा पार्ट पूछता है तो यस आई यू आर क्लियर कि सर हमारा वर्क तो नहीं होगा, वर्क तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप डायरेक्टली फैन पर देना शुरू कर दो, लेट सपोज आपने यहां से मोटर हटा दी, मोटर के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स आप डायरेक्टली फैन पर चले गए, जैसे फैन पे गए तो आपका ये फैन मूव करना शुरू नहीं करेगा, इसको मूव कराने के लिए मीडियम जरूरी है, और वो मीडियम कौन सा है बेटा, मोटर है, ठीक है। इसको मूव कराने के लिए मीडियम जरूरी है, और वो मीडियम कौन सा है, मोटर है। तो इसका मतलब ये है कि सर हमें इसको मोटर पे ले जाना ही पड़ेगा, तो वर्क तो सर जीरो है। अच्छा, क्या यहां से कोई हीट निकल रही है? नहीं सर, हीट तो निकल ही नहीं रही है, तो हीट भी जीरो है, तो हीट भी जीरो है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो आपके पास यहां से हीट भी जीरो है, आप यहां से बहुत आराम से इस चीज को बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे करके चल सकते हैं कि हाँ मुझे कैलकुलेट करना होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट हाई ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में, हाई ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में, बट वो वर्क नहीं, वो वर्क तब होंगे जब आप मोटर पर उनको डालेंगे, तब वो कन्वर्जन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो, मेरे ख्याल से इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा, मेरे ख्याल से इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर, ठीक है, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर। अभी हमारी वर्क ट्रांसफर के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें जाननी है, ठीक है। व्हाट इज जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर, ये रहे, ठीक है। अभी हम यहां से जस्ट बात करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर वर्क ट्रांसफर।
अब हमने बोला कि सर अगर मुझे जनरलाइज इक्वेशन निकालनी है तो बेसिक इक्वेशन तो हमें पता है, बेसिक इक्वेशन सर आप ही ने अभी भी बताई थी कि सर डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीबी, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट पीडीबी, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है F into displacement, तो आप क्यों दोबारा बता रहे हैं? मैंने कहा थर्मोडायनेमिक के फॉर्म में हमें बतानी है तो जरा उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जनरलाइज इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो सर हमें ओपन सिस्टम भी मिल सकता है, हमको क्लोज सिस्टम भी मिल सकता है, ठीक है। हमने यहां से जब भी बात करेंगे तो हमें ओपन सिस्टम भी मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा, हमको ना ओपन सिस्टम भी मिल सकता है और हमको सर क्लोज सिस्टम भी मिल सकता है। हम अगर यहां से जस्ट बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमको ओपन सिस्टम भी मिल सकता है, नंबर वन मैं, अरे यार तुम कहां से आ जाते हो बार बार, ठीक है। ये हमारे पास यहां से जस्ट अगर बात करूं तो हमारे पास एक तो है क्लोज्ड सिस्टम और एक हमारे पास है ओपन सिस्टम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड सिस्टम और नंबर टू हमारे पास है ओपन सिस्टम। मुझे आप ही लोग बताएंगे, ये मैंने शुरू में ही पढ़ाया होगा, ये मैंने शुरू में ही बताया होगा ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को। ओपन सिस्टम बेटा जो है, अगर हम जस्ट बात करें तो ओपन सिस्टम हमारा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, क्लोज सिस्टम हमारा कंट्रोल मास सिस्टम है। मेरे ख्याल से आपको यह चीज याद होगी, ये हमारा जो है वो कंट्रोल मास सिस्टम, दिस इज योर कंट्रोल मास सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल मास सिस्टम, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ये हमारे पास कंट्रोल मास सिस्टम है और ये वाला पार्ट जो है वो सर हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। मुझे ये चीज अच्छे से पता है, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है, मैंने यहां से पढ़ाया भी था, है ना। अगर हम यहां से जस्ट बेटा बोले तो ओपन सिस्टम को आप यहां से फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं, कहीं पे अगर आपको कंफ्यूज करें तो इसको हम यहां से फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं और इसको हम यहां से बेटा नॉन फ्लो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, नॉन फ्लो सिस्टम बोलते हैं। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इसको यहां से कंट्रोल मास वर्क पूछेगा या नॉन फ्लो सिस्टम वर्क पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन फ्लो सिस्टम का मतलब वो क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, या फ्लो सिस्टम वर्क बात करेगा तो हमसे यहां से ओपन सिस्टम के वर्क की बात करेगा। ये चीज हमको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। मैंने बोला कि ठीक है मैं जनरलाइज इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो पहले जरा जनरलाइज इक्वेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमने यहां से हेडिंग डाली कि सर सबसे पहले ना क्लोज्ड सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं और क्लोज सिस्टम के बारे में बात करने के बाद आप ओपन सिस्टम के बारे में मुझसे बात करिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो मैं यहां से लेके चल सकता हूं कि सर मेरे पास जो क्लोज्ड सिस्टम है वो ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। मेरे पास जो क्लोज सिस्टम है वो यहां से एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसको हम यहां से लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैंने यहां से क्या लिया कि मेरी पिस्टन जो थी वो यहां पे थी और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो उसने कवर की है, एंड लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज dx, ठीक है। यहां से बच्चे इस पे कुछ प्रेशर लग रहा है एंड दैट प्रेशर इज p, और इसका जो डिफरेंशियल एरिया या एरिया जो है वो हमने यहां से ले लिया a, करेक्ट। अब मैं यहां से जस्ट वर्क के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि एक काम करो, जनरलाइज इक्वेशन निकाल लो और जनरलाइज इक्वेशन के बेसिस पे वर्क बताना। तो मैंने बोला कि अगर मैं f के बारे में w के बारे में बात करूं तो w इज इक्वल टू सर हमने यहां से f इंटू डिस्प्लेसमेंट अभी अभी जस्ट लिखा था, उसी को हमें फॉलो करना है। हमने बोला ठीक है, f के बारे में अगर हम बात करूं तो मैंने पढ़ रखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, आप यहीं से जस्ट देखे थे अभी अभी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने बोला कि अगर मैं f के बारे में बात करूंगा तो f इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा, एंड दिस पार्ट इज लाइक दिस। अगर ये इस टाइप से है तो w इज इक्वल टू बेटा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा और इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट उसने x दे रखा है, तो मैं w इज इक्वल टू यहां से p और इंटू एरिया और इंटू दैट डिस्टेंस दैट इज dx, ठीक है। मैं यहां से क्या बोल रहा हूं बच्चे, हमने यहां से लेके यहां तक का dx डिस्टेंस कवर अप कर लिया है, तो मैं अगर dx डिस्टेंस कवर अप करूंगा तो मैं इसको एक डिफरेंशियल, ये एरिया है इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसने dx डिस्टेंस कवर कर ली, तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा dv वॉल्यूम कवर अप कर लेगा, और dv वॉल्यूम कवर करेगा तो p इंटू आपके पास आ जाएगा dv दैट इज w, ठीक है। तो w इज इक्वल टू आपके पास यहां से पी डीवी, और मुझे अगर पूरा पिस्टन का मूवमेंट चाहिए तो पूरे पिस्टन के मूवमेंट के लिए आप यहां से बोलेंगे w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी लगाना पड़ेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी
लगाना पड़ेगा। आपको क्लियर है बिल्कुल सर? हम अगर यहां से पीडीबी के बारे में बात करें तो ए इंटू डीएक्स के बारे में बात कर रहे थे, ए इंटू डीएक्स हमने यहां से डीवी लिया, दैट इज पी इंटू डीवी आ गया। अब जरा सुनते जाइएगा, मैंने बोला कि ठीक है सर इतनी बात मुझे क्लियर है, इस पी इंटू डीवी के बारे में हमने इंटीग्रेशन कर लिया, बट अभी यहां से जस्ट डब्ल्यू आपने लिखा है, क्या आप इसको डीडब्ल्यू लिख सकते हैं? मैंने कहा डेफिनेटली मैं यहां से इसको डीडब्ल्यू लिख सकता हूं, मैं यहां से इसको डीडब्ल्यू लिख सकता हूं। अब पॉइंट ये बनता है कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में किसके लिए वैलिड है, ये एक्चुअली में किसके लिए वैलिड है, कौन सा प्रोसेसर इसमें लगने वाला है, मैं इसमें डाउट में हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब जब आप इसमें रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेट सपोज आपके पास यहां से ये पिस्टन थी, यहां से आपके पास ये एक पिस्टन थी, है ना, इस पिस्टन में आप रिवर्सिबिलिटी का पॉइंट डालना चाह रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। मैंने बोला कि कितने लोगों को यह बात जस्ट अभी अभी आइडिया, अभी भी आइडिया है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो स्लो होना चाहिए। अगर बाय चांस हमसे जस्ट बात करता है कि हमारा कोई सा भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब इट इज बट ऑब्वियस कि वो स्लो होना चाहिए। तो आपने बोला हां सर ये बात मुझे पता है, हम अगर इस प्रोसेस को बेटा स्लो करना चाहें तो मुझे यहां से ये एक प्रेशर जो होगा जो इसको धक्का मार रहा होगा। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर ये सिस्टम काम करेगा तो ये किसी ना किसी के तो अगेंस्ट में काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं भागना शुरू करता हूं और मुझे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा तो मैं भागता जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे रोकने वाला है तो मुझे उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, मैं काम करके यहां से भागूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम बाहर के सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यस, जो बाहर का सिस्टम है इसके अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, और वो प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटलीस्ट ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रेक करना पड़ेगा और अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे ना रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए, तो ये चीज बिल्कुल श्योर है कि रिवर्सिबिलिटी के लिए हमने जो पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है कि सर बहुत स्लो होना चाहिए। तीन कंडीशन अगर मैं रिवर्सिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास तीन कंडीशन, मैं आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बताना भूल गया हूं, ठीक है मुझे याद दिलाना, मैं थर्मोडायनेमिक, हाँ स्लो वेरिएशन होना चाहिए हमने वो, ठीक है मैं आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बताना भूल गया हूं, तो मुझे याद दिलाना मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मैंने यहां से जस्ट बोला बेटा डीपी, तीन चीजें होती है रिवर्सिबिलिटी के लिए, एक तो हमारा डीपी, एक डीटी और एक डी ऑफ म्यूसी, म्यूसी इज द कंसंट्रेशन, है ना, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, दिस इज फॉर परफेक्ट रिवर्सिबल। ये हमारा किसके लिए है? दिस इज फॉर परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा अगर परफेक्ट रिवर्सिबल है, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको, है ना, ये मैं पढ़ा दूंगा, अभी मैं आपको लिखाई दे रहा हूं। अगर हम यहां से बोले अगर परफेक्ट रिवर्सिबल होगा तो सर हमारा प्रोसेस ही बंद हो जाएगा, बट हम प्रोसेस को बंद नहीं करना चाहते, मैं चाह रहा हूं स्लोली प्रोसेस चलता रहे। तो हम क्या बोलते हैं, डीपी टेंस टू कितना होना चाहिए, जीरो, यहां से डीटी टेंस टू कितना होना चाहिए, जीरो, और डी ऑफ म्यूसी टेंस टू कितना होना चाहिए, जीरो। ये हमारे पास जो प्रोसेस आते हैं दीज आर पार्शियली रिवर्सिबल, ठीक है, फुली रिवर्सिबल एंड पार्शियली रिवर्सिबल। तो हम जब भी बेटा प्रोसेस को लेके चलते हैं तो हम एक्चुअली फुली रिवर्सिबल प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमें पता है कि फुली रिवर्सिबल पॉसिबल ही नहीं है, हम यहां से पार्शियली रिवर्सिबल प्रोसेस लेके चलते हैं, और जब पार्शियली रिवर्सिबल लेते हैं तो डीपी टेंस टू जीरो। अब चलो वो सब बातें छोड़ो, मुझे पता है कि अगर मुझे इसको रिवर्सिबल फॉलो कराना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बाहर का प्रेशर कितना है। अगर मुझे बाहर का प्रेशर पता है तो मुझे यह पता होना चाहिए कि हाँ इसके अगेंस्ट में काम करना, स्लो चलाना है तो मैं अंदर से इतना ही इतना प्रेशर लगाता हुआ चलूंगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा तो मेरी पिस्टन मूव करेगी, अगर इसे बहुत ज्यादा मूव करा दिया तो पिस्टन बहुत तेजी से मूव कर जाएगी और हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रिवर्सिबिलिटी के लिए हम यहां से यह चीज क्लियर है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यह चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यह चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं एक ऐसे बंदे से डिपेंडेंट हूं, एक ऐसे बंदे पर डिपेंडेंट हूं जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। पी शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होना चाहिए, पी एटमॉस्फेरिक। ये रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन है कि आपका प्रेशर अंदर वाला ऑलमोस्ट इक्वल टू होना चाहिए पी एटमॉस्फेरिक। अब आप सोचोगे रिवर्सिबिलिटी की कितनी गंदी कंडीशन है कि हम ऐसे बंदे पे डिपेंडेंट है जो हमको जानता ही नहीं, ना हम उसको जानते हैं, हमें पहले उसको जानना है फिर उसके अगेंस्ट में काम करना, ठीक है। अच्छा अब मैं समझा क्या रहा था, अगर बाई चांस आपको ये मानना है, आपने यहां से निकाल तो लिया सर डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, अब आप यहां से बोल रहे हैं कि सर ये प्रोसेस है, एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है, अगर मैं इसको मानता हूं कि ये रिवर्सिबल है
तो ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होना पड़ेगा। इस प्रेशर को ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर के बराबर होना पड़ेगा, जितना ज्यादा ये होता जाएगा उतना ये फास्ट चलता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका प्रोसेस चलता जाएगा। तो हमने यहां से बोला फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, ठीक है, फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, टू बी रिवर्सिबल, ये अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हमने बोला इट मस्ट बी स्लो। ये आपका कैसा होना चाहिए बेटा, स्लो होना चाहिए। अगर ये स्लो है तो आप यहां से इस बात को बोल पाएंगे। तो आप यहां से बोल देते हैं यस, अगर ये स्लो है तो हम रिवर्सिबिलिटी के लिए आप कट से शो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप यहां से W निकालते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ PDB लेते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि इक्वेशन किसके लिए वैलिड है तो आप यहां से बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, तो अभी हमने ले ही रखा है, और प्रोसेस कौन सा है बेटा, रिवर्सिबल है, क्लोज्ड सिस्टम, और हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये जनरलाइज इक्वेशन आती है, दिस इज नोन एज द जनरलाइज इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम अंडरगोइंग इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्लोज सिस्टम की जनरलाइज इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर क्लोज सिस्टम, जनरलाइज्ड, दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम, ठीक है। ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन है सर, क्लोज्ड सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन है सर, और हमने इसको बता दिया। अच्छा चलो बेटा, हमने यहां से इतनी बात तो जान ली। अब अगर इतनी बात जान ली तो मैं जस्ट पूछ सकता हूं कि अगर क्लोज सिस्टम के लिए आपने जनरलाइज्ड इक्वेशन बताई तो इसका मतलब ओपन सिस्टम के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने कहा डेफिनेटली होगा, ऐसा थोड़ा हो सकता ओपन सिस्टम के लिए कुछ भी ना हो, भाई सब कुछ है ना, अपने यहां से क्लोज सिस्टम बता दिया। अब मैं यहां से जस्ट बात करने जा रहा हूं कि अगर मैं ओपन सिस्टम बताता हूं, अगर मैं यहां से ओपन सिस्टम बताता हूं तो ओपन सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगी वो मुझे जानने की जरूरत है। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आपसे जस्ट बोल सकता है कि आपका टरबाइन हो सकता है, आपका पंप हो सकता है, आपका बॉयलर हो सकता है, व्हाट एवर, वो कुछ भी हो सकता है। ओपन सिस्टम में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जरूरी है वो है फ्लो, करेक्ट। ओपन सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फ्लो, क्योंकि जब फ्लो होगा तभी आपका वर्क होगा। इतनी बात तो समझते हो ना, जब जब फ्लो होगा तब तब वर्क होगा, क्योंकि इसको हम यहां से फ्लो वर्क बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर फ्लो होगा तो वर्क होगा, और फ्लो हमेशा ओपन सिस्टम में जब जब होगा तब तब प्रेशर डिफरेंस पे ही होगा। अगर सेम प्रेशर रख दिया, जैसे बॉयलर में हम बोलते हैं कि हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। अगर हमने सेम प्रेशर रख दिया तो सर फ्लो हो ही नहीं पाएगा। आपने बोला कि हाँ सर, चलो मान लेते हैं, हमने बोला सबसे ज्यादा जरूरी है फ्लो। तो फ्लो के केस में हमने यहां से ले लिया दिस इज P1, एंड हमने यहां से ले लिया दिस इज P2, करेक्ट। और अगर हमने यहां से P2 ले लिया तो मुझे ये चीज क्लियर है कि सर फ्लो होगा अगर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, तो P1 शुड बी ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए, P2। और P1 ग्रेटर देन P2 हुआ मतलब DP आपका नेगेटिव हो गया, DP आपका नेगेटिव होगा, तब हमारा ओपन सिस्टम के केस में फ्लो पॉसिबल है। समझ तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को, नहीं आ रहा हो तो बता देना, ठीक है। अभी हमने यहां से बोला कि ठीक है, अब अगर ये डीपी हमारा यहां से ऐसे आ गया, अब आप यहां से डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। अच्छा, दुनिया में जब जब आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो आपको ये कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे ना, जब जब आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो आप एक कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, और ये रहा आपका कंट्रोल वॉल्यूम। इस कंट्रोल वॉल्यूम से आप यहां से जस्ट बात करेंगे, आपने बोला कि W इज इक्वल टू, सर हमने अभी तक जो पढ़ रखा है वो F into dx पढ़ रखा है, ठीक है। और अगर F into dx पढ़ रखा है मेरे बच्चे, तो F के बारे में आप यहां से बोलोगे सर F कौन सा, मैंने बोला अभी किसके केस में क्या था, केवल एक प्रेशर था, अब हम यहां से कंट्रोल वॉल्यूम की बात करेंगे, तो सर कंट्रोल वॉल्यूम का जो नेट प्रेशर निकल के आ रहा है, और वो नेट प्रेशर कितना आ रहा है सर, DP आ रहा है, ठीक है। और नेट प्रेशर डीपी आ रहा है, हमने यहां से बोला इनटू में व्हाटएवर द एरिया, जो भी हमारे पास एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, इनटू हमने यहां से डीएक्स ले लिया, इनटू हमने यहां से डीएक्स ले, और ये एरिया इनटू डीएक्स जो बात करोगे, ये सर हमारा एक्चुअली में कंट्रोल वॉल्यूम आ गया, ये हमारा क्या आ गया, कंट्रोल वॉल्यूम आ गया। और जब ये हमारा यहां से कंट्रोल वॉल्यूम आ गया, तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास VDP आ गया, W इज इक्वल टू आपके पास VDP आ गया। हाँ, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ले लो,
एक और कंडीशन है कि सर इसमें जो भी फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लो हो रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम है ना, मतलब जितना मास आ रहा है उतना मास जाना चाहिए तभी ये वैलिड है, और अगर जितना मास आएगा उतना मास जाएगा तो ये कौन सा फ्लो होगा? स्टेडी फ्लो होगा। ये कौन सा फ्लो होगा बच्चे? स्टेडी फ्लो होगा। आप यहां से ये बोलेंगे सर इसमें स्टेडी फ्लो होगा, और अगर आप यहां से लगा देंगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस VdP एंड दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो। ठीक है, फॉर ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो, ये आपकी जनरलाइज इक्वेशन है ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो के लिए। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो के लिए ये जनरलाइज इक्वेशन है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। डीपी एक बार बता दें। डीपी बेटा हमने यहां से बोला कि देखो जैसे एक पाइप है, दुनिया का कोई सा भी पाइप है, इस पाइप में यहां से फ्लो होना शुरू हुआ, इस साइड आ रहा, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही फ्लो होगा ना, और अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा तो प्रेशर डिफरेंस यहां से लेके यहां तक मतलब घट रहा होगा, घट रहा होगा तो डीपी आपका क्या हो गया? P2 माइनस P1। अब आपका P2 लेस देन है P1 से, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डीपी आ जाएगा। माइनस ऑफ डीपी क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि आपको पता है ना ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने यहां से जस्ट लिख दिया नेगेटिव। और इस डीपी को हमने बोला कि भैया हमें इस कंट्रोल वॉल्यूम के नेट प्रेशर की बात करनी थी, तो कंट्रोल वॉल्यूम का नेट प्रेशर यहां से यहां के बीच में क्या आएगा? डीपी आएगा। उस डीपी को हमने यहां से और यहां का वॉल्यूम, तो वी इंटू डीपी रख दिया, वी इंटू डीपी। हाँ, इक्वेशन लिखते टाइम नेगेटिव, इक्वेशन लिखते टाइम नेगेटिव, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, वो बात अलग है, आपको क्लियर होना चाहिए कि हम हमेशा इसको क्या लिखेंगे? माइनस के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम इसको माइनस के साथ ही लिखेंगे। बताएं जल्दी से, अरे पी हम बाउंड्री पे अप्लाई करने वाला लेते हैं, वो क्लोज्ड सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है बच्चे, ये ओपन सिस्टम है, हम इसमें फ्लो देख रहे हैं, और फ्लो हमेशा किसकी वजह से होगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ये ओपन सिस्टम है, ठीक है, दिस इज ओपन सिस्टम नॉट क्लोज्ड। तो आपको दो इक्वेशन मिली है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, एक इक्वेशन ये मिली, एक W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VdP माइनस के साथ। ये हमारा फ्लो हो रहा है हमेशा डिक्रीजिंग प्रेशर की साइड, इस वजह से माइनस। हां, अगर इंक्रीजिंग प्रेशर साइड आएगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे आपने बोला कंप्रेशर का वर्क, तो कंप्रेशर का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है ना, आपका ऑटोमेटिक यहां से आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया खत्म, ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताएं। बताएं 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 बताएं, यस और नो। क्लियर? चलो मेरी बात सुनो। अभी ना हमने बेटा यहां से इतने दो वर्क निकाल लिए, और मुझे बहुत ज्यादा मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, हमने जस्ट दो वर्क निकाल लिए कि सर ये वाला ना क्लोज सिस्टम, एज्यूम भी यही करना होता है, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल, और ये हमारा ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो। ठीक है, ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो, वाई स्टडी फ्लो की प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आगे बात करना शुरू करते हैं। मैंने बोला कि ठीक है इतनी बात सर पता चल गई है, अब यहां से आगे क्या करना है? मैंने कहा ठीक है आगे ना, अब आपका एक और छोटा सा पॉइंट बनता है, हम अगर यहां से बात करें दैट इज P
पी वी डायग्राम। आगे आपका एक और छोटा सा पॉइंट बनता है, दैट इज पी वी डायग्राम। और इस पी वी डायग्राम के बारे में हम छोटा सा पॉइंट डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आपने बोला कि ठीक है कर लो आपकी मर्जी, तो मैंने बोला पी वी डायग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे पास दो एक्सिस मिलती हैं, एक हमारे पास है प्रेशर एक्सिस, एक हमारे पास है वॉल्यूम एक्सिस। आपने बोला कि सर यही शो करना है, मैंने कहा हाँ यही करना है, आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं वहां वॉल्यूम यहां करना चाह रहा हूं तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट इन जनरल हम ऐसे ही शो करते हैं। अब इस पीवी डायग्राम में मैं इन जनरल जब भी बात करता हूं तो मैं कुछ इस टाइप से लेके चलता हूं, कि लेट सपोज हमारा कोई एक जनरलाइज प्रोसेस है, कोई भी एक जनरलाइज प्रोसेस है, वो कुछ भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, व्हाटएवर, जो भी है, हमने बोला एक जनरलाइज प्रोसेस है। अगर ये जनरलाइज प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इसके दो पॉइंट्स होंगे, और वो दो पॉइंट बेटा हमने यहां से ले लिया, लेट ये पॉइंट हमारा यहां से P1 है, और यहां से हमने जस्ट ले लिया ये वाला पॉइंट हमारा यहां से V1 है, इस पे जस्ट हम देखना चाह रहे थे, ये कोई एक पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास कोई दूसरा है। आपने बोला कि ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पीवी डायग्राम पे जस्ट शो करना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसका एरिया ले लूं, लेट सपोज हमारे पास मैंने इसका एरिया ले लिया, ये मेरे पास कोई इसका एरिया, एक एरिया मैं लेना चाह रहा हूं इसके नीचे का, तो मैंने एक स्ट्रिप कट की, ठीक है। मैंने इसका एरिया लेने के लिए क्या किया भैया, हमने बोला कि जनरलाइज है, अब स्ट्रेट लाइन होती तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, मैंने जनरलाइज एरिया लिया। अब जनरलाइज के लिए मैंने यहां से एक स्ट्रिप कट की जिसकी थिकनेस यहां से डीवी थी, और इसको जब देखा तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करती हुई दिखी, एक बहुत छोटी डिफरेंशियल स्ट्रिप है ये ना, हमारे पास डिफरेंशियल स्ट्रिप है, और डिफरेंशियल स्ट्रिप की वजह से हमें क्या दिखा कि ये बहुत छोटा था, तो स्ट्रेट लाइन हमने अज्यूम कर लिया, तो हमने इसका मिडिल लिया, हमने इसका जब स्ट्रेट लाइन दी तो इसका मिडिल ले लिया और इसका एवरेज प्रेशर ले लिया, दैट इज पी, ठीक है, एवरेज प्रेशर ले लिया पी। अब मैं इस एवरेज प्रेशर की बात करूं तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं यहां से इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहूं तो स्ट्रिप का एरिया मुझे रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा पी, और इंटू कितना आ जाएगा डीवी आ जाएगा, ये स्ट्रिप का एरिया आएगा डीए। अगर हम स्ट्रिप के एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें क्लियर है कि सर हमारा जो डीए आया ना वो डीए इज इक्वल टू हमारे पास यहां से पी डीवी आया, और अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं कि इंटीग्रेशन मुझे लेना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा पी डीवी, और अगर मुझे एरिया देखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना मिल जाएगा पी डीवी। अब आपका इक्वेशन जो भी आपको यहां से देगा प्रेशर का जैसा वेरिएशन होगा वो वेरिएशन रख देंगे, हमें पता है ना प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, इट में भी लीनियर हो जाए, इट में भी आपका पैराबोलिक हो जाए, इट में भी आपका क्यूबिक हो जाए, व्हाटएवर जो भी होगा वो हम यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही पुट करेंगे वैसे हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे एरिया की। लेकिन मुझे एक और चीज याद आई कि यार इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी जो हमने पढ़ा है वो हमने क्लोज सिस्टम वर्क भी पढ़ा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना था इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, और सर अगर ऐसा था तो ये तो हमारे लिए सर एक अलग पॉइंट बन गया कि सर एरिया इज इक्वल टू कितना आ रहा है डब्ल्यू ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। अब यहां से सुनिएगा, आप यहां से ये चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं कि ऑन अ पीवी डायग्राम अगर हम यहां से जस्ट बात करें, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑन अ पीवी डायग्राम ऑलवेज गिव्स क्लोज्ड सिस्टम वर्क। एरिया प्रोजेक्टेड, हम क्लियरली बोलते हैं कि एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम ऑलवेज गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क। अगर मुझे लिखना हो तो मैं यस इसको लिख सकता हूं, आई एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है, प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे अगर मैं एरिया प्रोजेक्ट करूंगा वॉल्यूम एक्सिस पे तो यस इट ऑलवेज गिव क्लोज्ड सिस्टम वर्क। ये हमेशा हमको क्या देता है बच्चे, क्लोज्ड सिस्टम वर्क देता है। अगर हम यहां से कभी भी बात करेंगे तो मतलब अगर मुझे क्लोज सिस्टम वर्क निकालना है तो मैं वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया निकाल दूंगा, खत्म। मैं वॉल्यूम एक्सिस पे अगर एरिया निकाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू क्लोज सिस्टम वर्क, खत्म सर, ठीक है। जब जब हम एरिया प्रोजेक्ट करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पे तो हमेशा हमेशा हमको क्लोज सिस्टम वर्क देगा, और उसको हम कैलकुलेट करके दो मिनट में बता देंगे, हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपने बोला कि ठीक है सर क्लोज सिस्टम वर्क तो आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन ओपन सिस्टम वर्क निकालने का कोई तरीका? मैंने कहा हाँ देखो ना पीवी डायग्राम इसीलिए तो है, आप पीवी डायग्राम को एंजॉय करो, आपके पास पीवी डायग्राम है तो आप टेंशन किस बात की। आपने बोला देखो जरा प्रेशर एक्सिस, देखो जरा वॉल्यूम एक्सिस, अगर मैं यहां से प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस के बारे में बात करूं, ये जनरलाइज इक्वेशन है।
अपने बार अब की बार आपने बात किया, मैं एक काम कर लेता हूं सर, एरिया यहां ले लेता हूं, यहां पे एरिया ले लेता हूं, ठीक है। इट मे बी आपको ये विजिबल ना हो, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं एरिया यहां ले लेता हूं। तो अब ये अगर जनलाइज स्ट्रिप है, मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान लूं, तो यहां पे मुझे ये वी दिख जाएगा। और अगर बेटा हम यहां से देखें, ध्यान से देखिएगा, ये पी एक्सेस है, ये वी एक्सेस है। अब डिपेंड कर रहा है, हमने अगर यहां से पी वन ले लिया, यहां से पी टू ले लिया, तो बेटा ये डायरेक्शन ये रही, मतलब आप यहां से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप यहां से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे होते तो प्रेशर राइज हो रहा होता, और अगर प्रेशर राइज हो रहा होता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होता, समझो। प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ रहा, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, आप प्रेशराइज कर रहे थे, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऑन द सिस्टम वर्क हो जाता, वो नेगेटिव वर्क आता, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा, प्रेशर रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है मतलब हमारा सर काम सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम बाय द सिस्टम नहीं कर रहे हैं, यहां से विजिबल है, ओके बच्चे, हम यहां से बाय द सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि अगर मैं इसका एरिया जस्ट यहां से मेजर करता हूं स्ट्रिप का, तो डीए हमारे पास कितना आएगा, डीए इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से देखूं बेटा हमारे पास, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सर वी और इनटू हमारे पास फाइनल प्रेशर दैट इज पी टू और माइनस पी वन, वी इनटू फाइनल प्रेशर दैट इज पी टू माइनस पी वन। तो हम इसको ना डीपी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अगर मैं यहां से v into dp के फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे पता है p2 is less than p1, यार आप देखो ना यहां से p2 less than p1 है, और अगर ये है तो आप नेगेटिव के साथ लिखेंगे। और आप यहां से देखेंगे कि सर इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, da का, da का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा vdp, और ये मुझे मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ vdp। और अगर एरिया ऐसा मिल गया तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर ये जो मुझे मिला है That is A is equal to minus VDP. ये सर मुझे क्लियर है कि ये ओपन सिस्टम का वर्क है, ये सर मेरे ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो का वर्क है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि भैया पीवी डायग्राम आपके लिए वरदान है, वरदान मतलब ये भगवान विष्णु ने दिया था वरदान, और उन्होंने बोला था कि जा वॉल्यूम एक्सेस पे चला जा, तो उसने बोला कि मैं क्लोज सिस्टम वर्क लेके जाऊंगा, फिर उन्होंने अगली बार कहते जाओ ओपन सिस्टम पे चले जाओ, यहां से ओपन सिस्टम वर्क निकालो, तो उसने बोला मैं सर प्रेशर एक्सेस पे करूंगा जाके, तो जैसे ही प्रेशर एक्सेस पे गिरा तो उसने ओपन सिस्टम वर्क निकाला, जैसे क्लोज वॉल्यूम एक्सेस पे गिरा वैसे उसने क्लोज सिस्टम वर्क निकाला। तो जब भी आपको प्रोजेक्ट करना है, आपने प्रोजेक्शन देखना है, सर पीवी डायग्राम पे कहीं पे भी प्रोजेक्शन देखूंगा मुझे एरिया मिलेगा, मैं वॉल्यूम एक्सेस से प्रोजेक्शन देखूंगा मुझे क्लोज सिस्टम का एरिया मिलेगा, क्लोज सिस्टम का वर्क मिलेगा, एरिया जो भी मिलेगा, मैं अगर प्रेशर एक्सेस से प्रोजेक्शन देखूंगा जो भी एरिया होगा वो ओपन सिस्टम का वर्क देगा। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे यार, मुझे जल्दी से बताओ, हमें दो चीजें दिख रही, हम यहां से क्लियर बोलते हैं एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सेस ऑन अ पीवी डायग्राम ऑलवेज गिव्स क्लोज सिस्टम वर्क, एंड एरिया प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सेस ऑन अ पीवी डायग्राम ऑलवेज गिव्स ओपन सिस्टम वर्क। क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं? तो हमने यहां से लिखा, इट मीन्स एरिया प्रोजेक्टेड, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस ऑलवेज गिव्स, ठीक है, ये हमको क्या देता है, ऑलवेज गिव्स ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है, ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो वर्क, ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो वर्क, करेक्ट और नॉट, स्टेडी फ्लो वर्क, समझे या नहीं, ओपन सिस्टम स्टेडी फ्लो वर्क, यस। हाँ, अगर VDP पॉजिटिव आता तो ये वर्क डन ना, अगर VDP पॉजिटिव आ जाता तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाता ना, अरे यार यही तो समझा रहे थे, पॉजिटिव आ जाता, अगर P2 ग्रेटर देन P1 आ जाता तो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं मतलब आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं, समझो ना यार रजत सक्सेना, समझो ना बच्चे, आप यहां से प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं तो अंदर का प्रेशर क्या करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो P2 ग्रेटर देन P1 का केस हो गया और ये ऑन द सिस्टम का केस हो गया, समझ पाए या नहीं, ठीक है, समझ पाए या नहीं,
आई डोंट नो आप समझ पाए या नहीं। अरे यार कमेंट तो कर दिया करो कम से कम समझ पाए या नहीं। ठीक है तो ये बेटा हमारे पास ये कहानी आ गई। ठीक है तो ये वाला हमारे पास दो चीजें बची। पीवी डायग्राम हमारे पास बहुत काम का है, ये हमारे विष्णु भगवान का वरदान है बिल्कुल। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का वर्क देता है हमेशा। वॉल्यूम एक्सेस पे हमको क्लोज सिस्टम वर्क, प्रेशर एक्सेस पे हमको ओपन सिस्टम वर्क देता है। जय माता दी। ठीक है अब यहां से जस्ट आगे बढ़ते हैं। हमने यहां से बोला कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी प्रेशर एक्सेस और वॉल्यूम एक्सेस पे। बेटा हमने जस्ट अभी इतना देखा है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं मेरे बच्चे। हमने बोला कि सर अभी ना इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जनलाइज प्रोसेस है। ठीक है ये ना हमारे पास जनलाइज प्रोसेस है, ये मेरे पास जनलाइज प्रोसेस है और ये जनलाइज प्रोसेस हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है ये हमारे पास जनलाइज प्रोसेस जो है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। हमने बोला कि इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ यार, मना मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैंने कर लो हटा दिया, थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, दो पॉइंट ले रहा हूं है ना, दो पॉइंट के बीच में वो जनरलाइज प्रोसेस में अलग अलग तरीके से करना चाहता हूं। मैं ऐसे करना चाहता हूं और ऐसे करना चाहता हूं। ठीक है ऐसे करना चाहता हूं और ऐसे करना चाहता हूं। ये पॉइंट नंबर मैंने वन ले लिया, ये पॉइंट नंबर मैंने टू ले लिया। ठीक है अब मेरे बच्चे अगर मैं यहां से ले लूं, एक पाथ मैंने यहां से ए शो कर दिया, एक पाथ मैंने यहां से बी शो कर दिया। मैंने दो पाथ शो कर दिए, एक पाथ बच्चे मैंने यहां से ए शो कर दिया और एक पाथ मैंने यहां से बी शो कर दिया। ठीक है अब मेरी बात सुनना जरा, अब मेरी बात सुनना यहां से। मैंने बोला कि अगर मैं पाथ ए और पाथ बी को शो करता हूं, मेरी बात सुनना बहुत प्यार से, पाथ ए और पाथ बी को शो करता हूं तो मैंने बोला कि मैं यहां पे भी एरिया शो कर सकता हूं। अरे व्हाइट पेन से नहीं दिखाना था, यहां पे भी एरिया शो कर सकता हूं, ये रहा ये रहा, और यहां पे भी एरिया शो कर सकता हूं, यहां पे भी एरिया शो कर सकता हूं। करेक्ट ये दोनों एरिया सब मैं शो कर सकता हूं। अगर मैं क्लोज सिस्टम का वर्क निकालना चाहूंगा तो मैं वॉल्यूम एक्सेस पे दिखाऊंगा और ओपन सिस्टम का वर्क निकालना चाहूंगा तो मैं यहां से प्रेशर एक्सेस पे दिखाऊंगा। मेरे बच्चे अगर मैं यहां से 1A2 इसके नीचे का एरिया दिखाऊंगा तो मुझे ये एरिया मिलेगा, अगर मैं इसके नीचे का एरिया दिखाऊंगा तो मुझे ऊपर वाला एरिया मिलेगा। कितने लोग मुझे इस बात को अभी अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता पाएंगे कि अगर मैं एरिया अंडर 1A2 लिखूं और एरिया अंडर 1B2 लिखूं ये दोनों एरिया सेम आएंगे, चाहे मैं प्रेशर एक्सेस पे ले लूं चाहे मैं वॉल्यूम एक्सेस पे ले लूं, चाहे मैं इस पाथ के नीचे का एरिया ले लूं चाहे मैं इस पाथ के एरिया इसके नीचे का एरिया ले लूं, सर ये दोनों के दोनों एरिया सेम आएंगे। कितने लोग मुझे इस बात को बता सकते हैं जल्दी से बताएं। यस बेटा नॉट सेम, बसु ने ऐसा बोला है कि सर नॉट सेम, गलत बात बोल रहे हो नहीं। अच्छा अगर ये दोनों सेम नहीं हो सकते, हमने बोला कि नहीं सर आप गलत बोल गए, ये सेम नहीं होंगे, और अगर सेम नहीं होंगे तो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर पाथ 1A2 का और ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर पाथ 1B2 का, और दोनों के दोनों वर्क सेम नहीं होंगे। एरिया सेम ना होने का मतलब सर वर्क सेम नहीं होंगे, और अगर वर्क सेम नहीं होंगे इसका मतलब वर्क हमारा पाथ का फंक्शन नहीं है, वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर, और अगर पाथ का डिपेंड फंक्शन नहीं है तो हम यहां से बोल देते एंड हैज वर्क इज नॉट अ पाथ फंक्शन, वर्क इज नॉट अ पाथ फंक्शन। ठीक है वर्क हमारा क्या है, एक पाथ फंक्शन नहीं है, वर्क इज नॉट अ पाथ फंक्शन। वर्क हमारा यहां से हम क्लियरली बोल देंगे सर वर्क हमारा पाथ फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं, और अगर पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो आप यहां से कभी भी बोलेंगे कि सर पहली बात तो हम यहां से जब भी dw लिखेंगे तो हम यहां से कभी भी w2 -w1 नहीं लिख सकते, ये पाथ फंक्शन हम सॉरी वर्क इज अ
पाथ फंक्शन, नॉट नहीं वर्क इज अ पाथ फंक्शन, क्योंकि भैया हमें यहां से क्लियर हो गया है कि ये पाथ डिपेंडेंट है, अलग अलग पाथ के लिए ये सब कुछ अलग अलग कहानी देखे जा रहा है। तो ये बेटा हमारा पाथ फंक्शन है, और अगर ये पाथ फंक्शन है तो हमने यहां से बोला कि यस इट इज अ फंक्शन ऑफ पाथ, नॉट नहीं है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ पाथ। और अगर ये पाथ फंक्शन है तो अब हम इसको पॉइंट्स के डिफरेंस के थ्रू नहीं लिख सकते, ऐसे पॉइंट्स के डिफरेंस के थ्रू नहीं लिख सकते। अगर हम यहां से जस्ट लिखें कि अगर मैं इसका साइक्लिक इंटीग्रल ले लूं, साइकिल मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट कर लूं डी डब्ल्यू, अब ये जीरो नहीं आ सकता, अब ये जीरो नहीं आ सकता। जबकि अगर मैं यहां से जस्ट लिखता इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, इसको मैं डायरेक्टली पी टू माइनस पी वन लिख सकता था, ये प्रॉपर्टी थी। अगर मैं यहां से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीपी लिखता तो ये हमेशा कितना आता, जीरो। ये प्रॉपर्टी का है, ये यहां से प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम इसको बेटा यहां से एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, इसीलिए हम यहां से इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसीलिए हम इसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, इसीलिए हम इसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, इसीलिए बेटा हम इसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। इट इज अ पाथ फंक्शन, इट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो ये आपको यहां तक आज मैं करा देता हूं, है ना। इसके बाद कल हम वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस करेंगे, चल के आज लोग भी कम थे, बट कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना अच्छा हुआ। आई होप यहां तक का पार्ट जो है जनरलाइज इक्वेशन आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे पहले यहां तक बता दें, इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ क्लियर एकदम से परफेक्ट, आपको समझ में आ गया, फील आ पाया या नहीं, ठीक है। आपको यहां से यहां तक का फील आ पाया या नहीं ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। नॉट अ स्टेट फंक्शन, चले। तो बच्चे हमने अभी जो किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज वन, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, and this one is 10, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास यहां से इतना आज हमने किया, और कल हम लोग करेंगे वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर भी हम लोग कल करेंगे, कितने टाइप के वर्क ट्रांसफर होते हैं, वेरियस प्रोसेसेस में कितने कितने वर्क हो सकते हैं, ये सारा का सारा। ओपन सिस्टम का वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे जैसे डिफाइन किया है, वैसे तो करते हैं, अभी तो डिफाइन किया था, ठीक है। अभी तो हमने यहां से डिफाइन किया था बच्चे ओपन सिस्टम माइनस ऑफ वीडीपी करके, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया भी था, है ना, माइनस ऑफ वीडीपी करके। जब भी आप यहां से बात करते हैं तो मतलब ये फ्लूड जो है एक्चुअल में फ्लूड को, जो भी फ्लूड फ्लो हो रहा है उसको उस मीडियम के अगेंस्ट में जितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने प्रेशर जनरेट करने की कोशिश की इसी पे, तो इस फ्लूड को यहां से लेकर यहां तक कितना काम करना पड़ा, जैसे पंप को कुछ काम करना पड़ता है, ओपन सिस्टम वर्क है। आपको कंप्रेसर को कुछ काम करना पड़ता है, ओपन सिस्टम वर्क है, ये सारे ओपन सिस्टम ही तो वर्क है। टर्बाइन में कुछ काम मिलता है, ओपन सिस्टम वर्क है, ठीक है, ये सारे ओपन सिस्टम वर्क है सारे के सारे, ठीक है। तो आप यहां से जस्ट देख लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आज बहुत बेसिक वाला एनर्जी इंट्रैक्शन हमने जस्ट किया, कल हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे, कल हम लोग यहां से वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस देखेंगे, क्लोज सिस्टम एज वेल एज ओपन सिस्टम में, ठीक है। तो कल आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से सीखने को मिलेंगी। बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भाई क्लास करना शुरू करो, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती मतलब पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, समझ में तो आ रहा होगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगता कि शायद तुम लोगों को समझ में आता नहीं है जबरदस्ती, और मेरे ख्याल से अभी ऐसा हो गया कि ना बिल्कुल टाइम चेंज हो गया, बच्चों को ना इंजॉय चाहिए, कोई एकदम से मस्त तरीके से एकदम से मस्त डांस वांस कर रहा हो, है ना, तो आप लोगों को मस्त मजा आता है यूट्यूब पे बाकी सारी चीजें, तो शायद वैसा हो गया है ना। हाँ, कंट्रोल वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है वो हम फिक्स रखते हैं, जब भी हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं तो दैट वॉल्यूम इज फिक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, हम उसके बारे में जस्ट बात कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप यहां से पढ़ो जितने लोग भी हैं जो भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा सबको कि हाँ दे कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, ओके। चलो ओके,
चलो ओके बेटा, ओके ओके बाय बाय, है ना, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सब लोग जाइए और आराम से मस्त रहिए, कल हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे आके, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दोज हु हैव नॉट ज्वाइंट वो ज्वाइन कर लें इसको, है ना, ताकि आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगी यहाँ से। ये दो कोर्सेज हैं अभी, जस्ट यहाँ से प्लस और आइकॉनिक, जो लोग भी 2023 का प्लान कर रहे हैं, देखें ज्वाइन प्लस और आइकॉनिक बाई यूजिंग द सेम कोड, द कोड इज वॉट त्यागी 100, ठीक है। आप जस्ट, ये फी स्ट्रक्चर है और अभी आपका 12+3 का ऑफर चल रहा है, अगर आप लेना चाहेंगे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो आपको 3 मंथ्स का ऑफ मिलेगा एंड 10% ऑफ भी मिलेगा, तो दोज हु वांट टू टेक वो ले सकते हैं, ठीक है। न्यू बैचेस आपके आते रहते हैं, न्यू बैचेस आपके आते रहते हैं, सो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।